हम आ गए नहीं, मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है वो आपकी हुंडई की सेंट्रो है रिंग, जो कि अपने ज़माने की बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे मिलवाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैसी चला रहे हैं, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, तो आपको आपकी गाड़ी पे कौन सा फिफ्थ डे है आज? चलो ठीक है, तो किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली आपको? टर्न लेने में आ रही है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अभी अपने नीचे तीन पेडल्स होते हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, ए बी और सी। एक्सीलेटर टच करो, एक्सीलेटर है ना, और ब्रेक पे टच करो, ठीक है, क्लच दबा के दिखाओ पूरा एंड तक, ठीक है। और अभी जो राइट वाला पाँव है ना, वो एक्सीलेटर पे लाओ, उठा के नहीं लाना, ऐसे ही करना है जैसे आप कर रहे हो ना, बेस्ट है। अभी ब्रेक पेडल पे लाओ, ब्रेक एकदम से नहीं लगाना, ठीक है, क्लच छोड़ दो। अभी क्लच वापस प्रेस करके देखो, ठीक है, लेफ्ट वाला पाँव तो आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, राइट वाला एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे है ना, ये पेट्रोल टैंक कैसे खुलता है और ये जो है डिग्गी कैसे खुलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी पेट्रोल टैंक का जो ये, इसको अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे, ऐसे ऊपर अप करेंगे, तो पेट्रोल टैंक खुल जाएगा, और इसको डिग्गी खोलने के लिए ये ऊपर करते हैं, ठीक है। और जो बोनट होता है वो यहाँ से खुलता है, देखो ये जो है ना, इसको हम खींचेंगे तो ये अपना फ्रंट वुड खुल जाएगा, बोनट है ना, ओके। तो हेडलाइट कैसे ऑन करते हैं, ऑन करके दिखाओ ये, हाँ, एक बार में तो पार्किंग लाइट ऑन होती है और सेकंड बार में हेडलाइट ऑन होगी। अभी इसको हाई बीम पे करो, आगे की तरफ दिखा दो, आगे ब्लू लाइट जल गई ऑडोमीटर में, है ना, एक लाइट आई होगी। अभी लो बीम पे करो, हाई बीम पे चालान है, लो बीम पे चलाना हमेशा, ठीक है। अब ऑफ कर लो लाइट, रात को नए ड्राइवर क्या करते हैं, लाइट हेडलाइट ऑन करना भूल जाते हैं। अभी उधर वाले स्विच के बारे में जानते हो, वाइपर स्विच है ये, जानते हो, इसको एक बार नीचे करो, हाँ एक बार और नीचे करो, ये आगे वाइपर चला, बंद कर दो, क्योंकि इसको कभी भी सूखा नहीं चलाना है, विथ वाटर ही चलाना है। अगर हम इसको ड्राई चलाएंगे तो हमारे फ्रंट विंडशील्ड पे स्क्रैचेस हो जाएंगे, एमरी डस्ट वगैरह होती है, ऊपर ही ऊपर कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। और इसको आप डीपर के जैसे प्रेस करो अपने फेस की साइड, तो ये पुल पानी इसमें वाइपर बोतल में ख़त्म हो गया है अभी, है ना, तो अपन घर का पानी भी डाल सकते हैं, ओके। तो अभी गेयर लगा के दिखाएंगे अपन, जो ये गेयर लीवर है, क्लच दबा लो आप पहले और फर्स्ट गेयर लगाओ, न्यूट्रल चेक कर लिया, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड लगाइए, थर्ड लगाइए, फोर्थ लगाओ, अभी फिफ्थ गेयर लगाओ, यस गुड, अभी न्यूट्रल कर लो, अब रिवर्स लगाओ, गुड, अभी न्यूट्रल कर लो वापस, ठीक है, ओके। हैंड ब्रेक कैसे हटता है, बटन दबा के ऊपर खींच के और लगाते हैं, विदाउट बटन है, खींचो, नोज़ की आवाज़ आनी चाहिए, ओके ठीक है ना। अभी इंजन स्टार्ट करो, अपने सीट बेल्ट आपने ऑलरेडी लगा ही लिया, सीट एडजस्ट कर ली, ओके ठीक है। जो पेट्रोल टैंक है ना, वो खुलता तो अपना अंदर से, बंद होता बाहर से, वो अपने आप पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालेगा और अपने आप उसको बंद कर देगा, ठीक है, ओके। तो क्लच दबा के फर्स्ट गेयर लगाओ, गुड, साइड व्यू मिरर में चेक करो, अभी मूव करेंगे, है ना, एक्सीलेटर देके धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे, परफेक्ट, लगाइए सेकंड, गुड। तो गली का टर्न वगैरह, जितने भी टर्न्स वगैरह होते हैं उन पे हमें हॉर्न वगैरह देना है, क्योंकि क्या होता है, ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो पाम ब्रेक पेडल पे ले लेंगे, एक तो मोड़ों पे, ये जैसे ही गली आ रही है पाम ब्रेक पेडल पे ले लेंगे, और हॉर्न दे दो, जो हॉर्न की जो साउंड होती है वो अपोजिट साइड पहुंच जाती है, इससे अगले ड्राइवर को पता चल जाता है कोई ना कोई गाड़ी है, हिंट मिल जाता है। तो देखो इससे एसी ऑन करते हैं, जैसे ये मैंने ब्लोवर फैन ऑन कर दिया और एसी का ये बटन दबा दिया, अब गाड़ी थोड़ी दबी होगी, ताकत कम लगा रही होगी, है ना, तो थोड़ी पावर एसी के कंप्रेसर को चलाने में कंज्यूम हो जाती है,
जब भी तेल ज्यादा पीती है गाड़ी, समझ रहे हो, अभी अब थोड़ी जितना रेस दे रहे हो उतनी भाग रही नहीं है ना, समझ रहे हो, थोड़ी टाइट चल रही है, अब इसको बंद करते ही भागेगी, भागी पावर आ गई तो ये होता है, समझ गए। तो एसी हमने ऑफ कर दिए, इस बटन से ये ऑफ भी हो जाती है। राइट इंडिकेटर ऑन करो, नीचे राइट लेंगे लंबा, लेफ्ट लेंगे नज़दीक से, पीछे मिरर में देख के लेन चेंज कर लेंगे अपन, सही है। अभी इतनी तेज में फंस नहीं, अभी पहले वहाँ पहुँचने दो गाड़ी को नज़दीक, जब उसके अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगी ना, जब हम फर्स्ट लगाएंगे, अब लगा सकते हो, अब थोड़ा स्लो है ना, हाँ लगाओ, परफेक्ट। तो मालूम है ना यू टर्न कैसे लेते हैं, ये जो डिवाइडर का कॉर्नर है ये हमारे फ्रंट डोर को क्रॉस कर जाए ड्राइवर सीट को, तो हम पूरी गाड़ी घुमा सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, जो गाड़ी के टेल है वो टच नहीं होएगी। तो अभी ग्रीन होने वाला है सिग्नल, रेडी रहना, बंद मत कर देना। यू लेंगे या राइट टर्न लेंगे बताओ, यू टर्न लेंगे है ना। तो अभी चलो ग्रीन हो गया सिग्नल, एक्सीलेटर देके रिलीज करो, हॉर्न भी दो, परफेक्ट है। जितना स्टीयरिंग को टर्न करेंगे उतना ही रिटर्न करेंगे, गुड करो, छोड़ो क्लच, कर लो गुड, सीधी कर लो, परफेक्ट है। चलो लगाओ सेकंड गियर लगाओ, हाँ लेकिन एक चीज भूल गए आप, ऑडोमीटर में देखो कोई लाइट आ रही है, है? हाँ तो कौन सा ब्रेक तो हटाए नहीं पूरा, चलो ठीक है। तो हमेशा हमें मीटर में देख लेना, कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए स्टार्ट करने के बाद में, ठीक है, ब्रेक लगा हुआ रहता है तो उसकी भी इंडिकेट करती है लाइट। तो अगर दोस्तों हम ब्रेक लगा के हैंड ब्रेक में गाड़ी को चला लेंगे तो गाड़ी तो चलेगी क्योंकि ल्यूज लगा हुआ था वो, अगर टाइट लगा हुआ है तो चलने में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन ल्यूज है तो गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन उसमें क्या है कि जो आपके पीछे वाले व्हील्स में हैंड ब्रेक के जो ब्रेक शू होते हैं ड्रम, उससे वो चिपक के लाल हो जाएंगे, वो बर्न कर जाएंगे, जल जाएंगे वो, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना। आजकल की नई गाड़ियों में सेंसर सायरन रहता है कि वो बीप बीप करके सायरन मारता है जिससे पता चल जाता है सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक का, तो इसीलिए हमें ऑडोमीटर में स्टार्ट करने के बाद में एक भी लाइट नहीं आनी चाहिए। चलिए सही है, येलो ब्लिंक कर रही है मतलब सेल्फ डिसीजन है, साइन बोर्ड बोल रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब कट है, दिख रहा है दोनों तरफ ऑल क्लियर है, आर्मी गेट भी क्लोज है। चलिए सीधा चलेंगे सेफ्टी रखते हुए, पाव ब्रेक पेडल पे आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ परफेक्ट है। चलो तो इधर लेफ्ट टर्न करेंगे अपन, इंडिकेटर ऑन करो, अभी गियर सेकंड, गुड, आईज ऑलवेज ऑन द रोड, नजर हटी दुर्घटना घटी, स्लो कर लो पाव ब्रेक पेडल पे, मिरर में देख के टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील, हाँ करो। चलो तो आज गाड़ी को टर्न अबाउट कैसे करते हैं, पूरी गाड़ी कैसे घुमाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अपन डेली घुमाते ही हैं अपनी गली में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।